आई थिंक मतलब आपने देखा होगा, आपने हाँ फिल्म देखी है, राइट उसमें ही सफर्ड फ्रॉम PTSD, ही सफर्ड फ्रॉम, ही वॉन्टेड टू किल हिमसेल्फ, तो वो थोड़ा वो प्रोसेस था. लेकिन आई थिंक इन वर्कशॉप्स वी डिड वॉट वी हैड टू. पर्सनली किसी ने जोक किया मेरे साथ कि अगर आप 100 डायल करोगे तो जॉन इब्राहम उठाएगा फोन, यू नो. सो आई थिंक दिस फैक्ट दैट मुझे अच्छा लगता है ये रोल्स प्ले करने में, और उसके साथ जो भी इसका बैगेज होता है, जैसे PTSD, स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, ये सब कुछ इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस. उसको डिपिक्ट कैसे करना होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और आपने जब मतलब शुरुआत की थी तो लोगों ने कहा था कि मॉडल है और एक्टिंग उतनी अच्छी नहीं आती है, हैंडसम दिखते हैं लेकिन एक्टिंग नहीं आती. आज बोलते हैं कि एक्टर अच्छे हैं, तो क्या फर्क लगता है आपको? एज लॉन्ग एज आई एम स्टिल हैंडसम, इट्स ओके. इंडियन मुजाहिदीन हैज नॉट बीन म्यूटेड. नो या सो दे आस्क्ड मी टू बीप आउट सम स्टफ. आई मीन द वर्ड मुजाहिद हैज बीन देव आस्क्ड मी टू बीप आउट, बट दे आस्क्ड मी टू कट आउट टू सीक्वेंसेस ऑफ द बॉयज, मेक चेंजेस, नॉट कट आउट, डिलीशन एज वेल एज मेक चेंजेस इन टू सीक्वेंसेस ऑफ द बॉयज, व्हिच आई फेल्ट इट वाज गोइंग टू हेल्प इन बैलेंसिंग द स्टोरी स्लाइटली, बट दे फेल्ट दैट बिकॉज the right to freedom of expression gets trumped in by only one other right, which is the right to fair trial, and they felt ki in log ka jo trial abhi bhi chal raha hai, it the film might prejudice. We fought and we basically, they wanted to delete that section. We said no, so we've agreed to certain changes in that section. I wish we could not do it because I felt that was very important to tell us the story of the boys and why, where the boys were coming from. That is what they had asked me to make some changes over there. Disclaimer ko log ne change karwaya, and they super, asked for a super in the super in the court, in the courtroom scene. Ek super aayega jis tarah se statutory warning alcohol aur iska aata hai, abhi ek isme bhi ek chota sa super aayega, which basically says that it is based on whatever judgment that the filmmakers don't endorse either view. Ma'am, main jab research kar raha tha film ka, तब मुझे जो जामिया मिलिया टीचर्स ऑलरेडी यूनियन से एक रिक्वेस्ट आया कि जिस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि सारे मुसलमान आतंकवादी है या सारे हिंदू हिंदू जो भगवान में बिलीव करते वो हिंदुत्व है, उन्होंने मुझे बोला था कि एक क्या क्या हुआ है कि आजमगढ़ को एक एक लेबल लग चुका है कि वहाँ से ही आतंकवादी पैदा होते हैं, तो कैन यू प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग द वर्ड आजमगढ़. So I said, 100% we will not use that word. Okay. और सर इति राजकुमार राव, सॉरी, जानना चाहूँ. ओह, राजकुमार गुप्ता के बारे में आप बात कर रहे हो. सॉरी, सो राजकुमार गुप्ता, ही इज राइट. राजकुमार गुप्ता बेस्ड ऑन यासीन, या सो ही दैट इज बेस्ड ऑन यासीन भटकल. तो सो यासीन भटकल वॉज इन चार्ज ऑफ अ डिफरेंट मॉड्यूल, और यहाँ पे जो आदिल अमीन जो हम लोग ने दिखाया है, जो दो दाद के साथ है, वो एक्चुअली यासीन भटकल के इसमें था, इन द सेम लेवल. अगर आप मुझे, यू एब्सोल्युटली राइट, जब हम फिल्म बनाते हैं, और ना कि सिर्फ इस फिल्म में, आई थिंक हर फिल्म में मेरा ये तजुर्बा रहा है कि हमें कोई ना कोई कहाँ से कोई नोटिस आ जाती है कि टाइटल का कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू है. वी बिकम अ सॉफ्ट टारगेट. और क्या होता है कि यू एब्सोल्युटली राइट, प्रोड्यूसर बहुत फिल्म बनाने में इतने पैसे लग जाते हैं, इतने पैसे लोग जुड़ जाते हैं, दी एक्विटीज एज दे से जो लीगल टर्म होता है वो बहुत, मतलब इट्स अ वेरी बिग स्केल, राइट. आई मीन एवरीबडी सिटिंग हियर, PNA पे खर्चा होता है, बहुत एक्सपोजर होता है. तो क्या होता है कि ऐसे टाइम पे समटाइम्स प्रोड्यूसर्स हैव टू कैपिचुलेट, आपको कोई चॉइस नहीं रहता. बट आई थिंक द लास्ट वन वीक, इफ़ आई कैन से फॉर अस, हैज़ बीन परहैप्स द मोस्ट स्ट्रेसफुल फॉर मी इन दिस बिजनेस. इट्स अ स्टोरी दैट इज़ इन द पब्लिक डोमेन, सबको पता है. शायद बॉम्बे में रहते हुए हमको इतनी जानकारी नहीं है कि क्या हुआ बाटला हाउस में, और इस इंसिडेंट को इतने साल हो गए, मतलब 11 साल हो गए, और फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो ये हम इतनी यू नो बोलबाला करते हैं डेमोक्रेसी में, इट्स वेरी सैड दैट टुडे यू नो अंडर दैट गाइज यू नो यू आर नॉट एबल टू फ्रीली टेल अ स्टोरी विच इज़ ऑलरेडी इन द पब्लिक डोमेन. ऑफकोर्स हैविंग सेड दैट, हमारे जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं, दे ट्राइड टू मेक श्योर दैट इट वॉज बैलेंस्ड, बिकॉज वी कैन अंडरस्टैंड दैट एट द एंड ऑफ द डे इन
expressing our you know, freedom of expression, aisa na ho ki it gets in the way of somebody's trial, because aakhir mein we are talking about a life and death situation. So, but yes, I think the last 1 week, I can speak for us, it's been, you know, for all of us, we are so invested emotionally, financially, bahut hi stressful raha hai. And I think kal ka jo din tha, especially, jahan humne samjha ki subah mein ye baat shayad nipat jayegi, subah se leke postponement hua, फिर लंच के पहले बैठे, फिर लंच के बाद बैठे, एक एक मौके पे तो लगा कि शायद वी मे नॉट बी एबल टू कम, एंड देन बाय द टाइम इट गॉट डन 6 बजे, मतलब पूरा दिन हम अपने पैरों पे रहे, ना खाना खाया ना पानी पिया, बट दैट वाज अ स्मॉल सैक्रिफाइस, यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट दोज थिंग्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे टाइम इज ऑफ एसेंस इन सच अ सिचुएशन. सो या आई थिंक एज अ प्रोड्यूसर हम जितना स्ट्रेस ले पाते हैं टू इंसुलेट एवरीबडी एल्स, I think we've tried to be very respectful also to the courts up until this point. Jab se ye chal raha hai ye mamla, humne bhanak nahi hone di kisi ko bhi, because we did not want to. Yeah, I think this particular case is, I mean, it will possibly, the people tell me it will possibly set precedent. It's not like every other case that, like Madhu said, where we do get notices for title, or for somebody who says that no, it is my story, or I have written a script, or etc. etc. You know, from various this had to do with an ongoing appeal of somebody who we are showing, and therefore we had to prove to the honorable court that the appeal, the conviction came in 2010 or 2013. 2013, the conviction came, and post that there have been so many things that have been written about the Batla's encounter and about the conviction and about the judgment and about various points of views, that by stopping our film, you will have to even erase all that. You know, you cannot just take a stand that this film is going to prejudice people who are going to be required to give any kind of these things for that the appeal. So that is what he finally. So the most important thing for you is that the law is very, very, it worked in our favor. After these cuts? Yeah. Yeah, I think it won't really affect the story length, but we've seen it before and after. I think from a normal audience point of view, it shouldn't really be that big of a difference. No, I'm not worried. I will always say yes. My answer will always be yes. I want the film to be in the way that it was intended. But I mean, we were allowed to make some concessions, and we fought back, we pushed back, they kept asking, and we finally reached a medium ground. But yeah, I wish we could not have we could show the film the way it was intended to be shown. Yeah, I mean, I think there are responsible filmmakers. There are some filmmakers, I must say, that are not very, very responsible also. But I don't think we fall in that bracket. And yeah, I mean, if somebody, that's what democracy is all about. If you've got a point of view, want to raise an issue, raise a question, you must. And I think it's absolutely okay. If we're in a platform where people want to question us, we should be ready with answers. So I wouldn't look at myself as the victim or us as a victim here, but we are perpetrators of discussion. And we must be available for discussion. So that's the way I look at it. We're not victim, and every time we always say we're victimized. Nahi hota hai aise. Itna bhi bura nahi hota hai. Except for social media, jo trolls hote hai na, faceless people. Besides that, everything is fine.